अभी आपकी दो वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें आप शिकायत करने पहुंचते हैं थाने में और वहां पे कहते हैं कि दादागिरी मत करो, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पिछले 3 महीने पुराना वीडियो है। 3 महीने पूर्व अखिल भारतीय संघ समिति राजस्थान का अध्यक्ष होने के नाते और हम लोगों ने एक अभियान चला रखा था हमारे शहर के जयपुर नगर के परकोटे के सभी विधानसभाओं में। प्राचीन जो स्थान है, धर्मस्थल हैं, साथ में धर्मस्थलों के साथ में जो पुरानी धरोहर हैं, किले हैं, गढ़ हैं, हवेलियां हैं, उनको खुर्दबुर्द किया जा रहा है, तोड़ के उनका नक्शा परिवर्तन किया जा रहा है। मूर्तियों को कई जगह खंडित किया गया, मंदिरों को कचरा घर बनाए गए, कहीं पेशाब घर भी बना दिए गए, ऐसी दुर्दशा की गई थी। तो उसके खिलाफ़ हम लोगों का अभियान चल रहा था और उसी अभियान को लेकर हम निरंतर सब जगह शिकायतें दर्ज करा रहे थे। लेकिन पुलिस का रवैया, कांग्रेस और अशोक गहलोत की जो सोच है वो हमेशा हम सबकी इन बातों के खिलाफ रही है और सनातन के खिलाफ रही है। तो थानों में शिकायत लेके जाते थे, दर्ज नहीं होती थी। ये स्थिति हुई कि रामगंज थाने में शाम को गए और रात को 2 बजे तक हमारी एप्लीकेशन नहीं ली गई, FIR दर्ज नहीं की गई। उसी विषय का वो 3 महीने पुराना वीडियो है जिस वीडियो को अभी विरोधियों के द्वारा वायरल किया जा रहा है। मैं संविधान के अभी द्वारा पदस्थापित हो रहा हूँ तो मुझे मेरी जिम्मेदारी गरिमा का पता है, किस तरीके से मुझे क्या काम करना है। ये सारा विषय 3 महीने पुराने अखिल भारतीय संघ समिति राजस्थान के संस्था के द्वारा हम लोगों ने रखा था और उसी संदर्भ का ये वीडियो है पुराना जो चल रहा है अभी। हवा महल में आपने कई प्राचीन मंदिर उजागर किए, अगर ऐसा ही मुस्लिम हवा महल नहीं, पूरे परकोटे की सभी विधानसभाओं में, जयपुर के सभी स्थानों पर प्राचीन धरोहर हैं, मंदिर हैं, धर्मस्थल हैं और किले, महल, हवेलियां हैं, उन सबको खुर्दबुर्द किया गया, तोड़ा गया और उन पर कब्जा किया गया, कचरा घर बनाए गए और कहीं कहीं पेशाब घर बना दिए गए। ये सब हमने उजागर किए हैं, सबको पता है। आपकी विधानसभा में मुस्लिम आबादी भी काफ़ी है, अगर उनके साथ भी ऐसा होता है, कोई कब्जा करता तो आप क्या? हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सब हम आपस में भाई भाई हैं और हम मेरी विधानसभा के 2.5 लाख मतदाता, लगभग 2,60,000 मतदाता, वो पूरा परिवार, संपूर्ण परिवार वो हमारा परिवार है और परिवार होने के नाते सबकी सेवा हमारा धर्म है। जो अतिक्रमण की आप बात करें हटाने की, तो क्या आपको लगता है कि सारा कितने काम हो पाएगा उसमें? अवैध जितने भी काम हैं वो सभी बंद होंगे, कब्जे के जितने भी काम हैं सब छूटेंगे और जिस प्रकार के अवैध काम और नशे के काम जो चल रहे हैं और जिस प्रकार के अपराधी गतिविधियां चल रही है सब पर अंकुश लगेगा। वो तो तैयार रहें, उन सब के लिए तो कुछ जो सरकार के नियम कायदे हैं उसके अनुरूप कार्रवाई होगी। जिस हिसाब से लग रहा है कि नाम भी चल रहा है आपके मंत्रिमंडल में, अगर आपका नाम आ जाता है मंत्रिमंडल में तो फिर क्या ये स्पीड ज़्यादा? मैं विधायक होकर संतुष्ट हूँ और विधायक रहकर काम करना चाहता हूँ, उसमें 100 नंबर पाना चाहता हूँ। मैं विधायकी से अपने संतुष्ट हूँ और उसी काम में मुझे आनंद आ रहा है। अभी आपकी दो वीडियो